अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेशमा खान। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी आप दुआ करें, मुझे दुआ में याद रखें। और आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कटलेट्स, जिसको आप आलू के कबाब भी बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ अपने स्टाइल में कि कैसे मैं बनाती हूँ ये। चलिए इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। ये लगभग 500 ग्राम आलू है, लगभग आधा किलो मैंने ये आलू को बॉईल करके निकाल के रख लिया है, ठीक है। और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद ही इसको बॉईल करा है। और हम इसमें देखिए क्या क्या ऐड करने वाले हैं। ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स जो है काट ली हैं, ये दो मैंने बारीक हरी मिर्चें जो हैं काट ली हैं बारीक बारीक। ये एक टमाटर है, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैंने कुछ ग्रीन प्याज है, ये मैंने एक से दो उसकी टहनियाँ काट ली हैं ग्रीन प्याज, ठीक है, ग्रीन ओनियन या वाइट प्याज बोल सकते हैं वो है। ये मैंने एक गाजर को बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। और ये हरा धनिया है थोड़ा सा कटा हुआ, और ये लगभग एक प्याज है, एक छोटा प्याज मैंने ये बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे तो ये हैं हमारे मसाले, ये तंदूरी मसाला है, ये लगभग मैंने एक चम्मच भर कर लिया है। और ये नमक, ये भी मैंने एक चम्मच भर कर लिया है। आप सब चीज़ों को ऐड करने के बाद टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो ऊपर से आप डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है चाट मसाला, ये भी मैंने एक चम्मच भर कर लिया है चाट मसाला। और ये है रेड चिली पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च है, ये भी मैंने एक चम्मच लिया है। और ये है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, ये मैंने आधा चम्मच लिया है। और हाँ, तो ये है हमारा ज़ीरा पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच लिया है, उससे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम। और ये है हमारा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। और ये मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ठीक है, हम इसमें ही ऐड करेंगे, जिसकी मैंने आपको कल वीडियो डाली थी, ये वही मेरे ब्रेड क्रम्स है जो मैंने कल बनाए थे, ठीक है। और ये है ऑयल जिसमें हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बड़े बर्तन में आलू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम आलू को इस तरह से मैश कर लेते हैं, इसको हमें जितना हो सके उतना बारीक मैश करना है। आप इसे फोड़ सकते हैं, आप चाहो हाथ से भी कर सकते हो, हाथ से ज़्यादा बेटर रहता है। मैं थोड़ा इसको इससे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हाथ से इसको बारीक करूँगी और बिल्कुल एकदम आटे की तरह इसको गूंद लेना, एकदम बारीक हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको हाथ से ही इस तरह से मसल रही हूँ, हाथ से ज़्यादा बेटर रहता है। और आलू का यह है, आप जानते होंगे कि सीज़न के हिसाब से आलू जो है चेंज होता रहता है, कभी मीठा आता है। ये हमारे नए आलू हैं, ठीक है, तो इससे आप बनाएंगे नए आलू से तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल एकदम आटे की तरह इसे गूंद लें। देखिए, तो ये मेरा एकदम परफेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो जो मैंने आपको दिखाए थे हम सारा एकदम से डाल देंगे, ठीक। इसको हम सब एकदम से क्लीन करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। अब हम अपना जो भी हमने मसाले निकाले थे वो हम सब इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको साफ़ करके इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अभी हम पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको ये सब मिक्स करना है। तो चलिए, ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स निकाल के रखे थे उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बच्चों के बड़ों के लिए दोनों के लिए एकदम बेस्ट है। और जो बरसात का मौसम होता है या सर्दी वगैरह होती है
तो हम लोग ये बहुत बनाते हैं घर में, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं बड़े भी और बच्चे भी। अब ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसको देखिए, इसमें थोड़ा मतलब बाइंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अगर आप चाहें तो खाली आलू से भी बना सकते हैं अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास, मगर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर लें। तो इसको हम अच्छी तरह से ऐसे इसको मसल लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, खट्टी चटनी, मीठी चटनी। देखिए इस तरह से ये मैंने डो बना लिया है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा, ठीक है। इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथों को चिकना करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसमें से बैटर लेते हैं, देखिए आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। थोड़ा इसको मैं इतना लूँगी, देख रहे हैं आप, मैंने इतना लिया है। तो आप इसको इस तरह से कबाब की शेप में बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको गोल भी बना सकते हो, ठीक है। तो बस देखिए बहुत इजी है ये, और कोई भी इतना मेहनत नहीं है। देखिए ये मैंने एक बना लिया, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, मैंने इतना बनाया है। अगर आप चाहो तो इसको पतला भी कर सकते हैं, मगर यह है जितना अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो ये ऑयल में जाने के बाद फट जाएगा, तो आप इसको इतना रखें, ठीक है। अब हम इसको सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से ये लगभग 2-4-7, ठीक है, मैंने ये 7 जो है बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, वरना आप शलो फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑयली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मगर हम इसको हल्के ही तेल में शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। आइए हम आपको इसको सेक कर दिखाते हैं, फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है गैस को ऑन कर दिया है, और मैंने इस पर एक तवा रख दिया है, ठीक है, और मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो अभी ये जब तक हमारा तवा तेज़ हो जाएगा फिर हम इसमें और अपने कटलेट्स को ऐड करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि अभी मैंने गैस को पूरा फुल पे कर रखा है ताकि मेरा जो बर्तन है वो गर्म हो जाते हैं। आप जब इसमें कटलेट्स डालेंगे सेकने के लिए तो आपको जो है मीडियम पे ही उसको फ्राई करना है। अगर आप तेज़ पे एकदम फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएंगे मगर अंदर से अच्छे नहीं सिकेंगे, तो आप उसको मीडियम पे ही सेकें। देखिए तो ये मेरा बर्तन तेज़ हो चुका है और मैंने ऑयल में इस तरह से एक अपना कबाब डाल दिया है। ये कटलेट भी बोलते हैं इसको, और मैंने आपसे बोला आलू के कबाब भी होते हैं। देखिए तो ये मैंने 4 अपने इसमें कटलेट्स बोल सकते हैं या कबाब बोल सकते हैं, तो मैंने इसे 4 कबाबों को इसमें डाल दिया है, ठीक है। और हमें जब तक इसको सेकना है तो नीचे से अच्छा सा इसमें कलर नहीं आ जाता, गोल्डन ब्राउन, और आपको बहुत सुकून थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। तो देखिए मेरी जो गैस की फ्लेम है मैंने मीडियम पे कर रखी है, हल्के पे ही मेरे कबाब सिक रहे हैं, ठीक है। इतना ही आपको रखना है ताकि अंदर तक से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स तो ये एक साइड से मेरे अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसका, तो मैंने दूसरी साइड से इसको पलट दिया है, ठीक है। और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ठीक है। तो इसको इतना सेकना है कि मतलब इसकी जो ये लेयर है ऊपर की वो नीचे की एकदम क्रिस्पी हो जाए खाने में और अच्छी तरह से सिक जाए। और मैंने एक तरफ से लगभग इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने सेका है, ठीक है। अब इतना ही हम दूसरी साइड से इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड ये जो है सिक रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे से। देखिए इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर नीचे भी आने लगा है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इस तरह खाना। सब्ज़ी वैसे बच्चे नहीं खा पाते हैं नॉर्मली, मगर आप इस तरह से अगर सब्ज़ी इसमें मिक्स करके बच्चों को खिलाती हैं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक प्लेट में निकाल के और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पलट दिया है, ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए
ये मेरे सारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने सातों फ्राई कर लिए हैं और ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसमें गोल्डन डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, आया है, इसको देखिए। और ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी पीस के रखी है इसके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इसको ज़रूर घर में एक बार ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं, आप लोग भी खाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी वीडियो डालूँगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।